नमस्कार दोस्तों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सभी लोगों को जीवन में सद्बुद्धि आए, सद्विचार आए और लाइफ में हम सभी लोग आगे बढ़ें। जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग लाइफ में अचीव कर सकें, ऐसी प्रार्थना भगवान से हम लोग करते हैं। मित्रों, ये जो हमारा 2022 का समय है, इस समय को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही बढ़िया से बिताने की ज़रूरत है। जैसा कि 2020 और 2021 हम लोग का कोरोना काल में चला गया और 2022 का समय है वो भी लग रहा है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना काल ना आए, ऐसे ही हल्का फल्का होकर कहीं चला जाए और हम सभी लोग जीत और परिश्रम करें ताकि लाइफ में आगे बढ़ें। मेरे मित्र, लाइफ में आगे बढ़ना कितना आवश्यक होता है, कितना नेसेसरी होता है। अगर आपके दादाजी हों या आसपास में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हों, उनसे बात एक बार करके देखिए। लाइफ में थोड़ा व्यक्ति जो कंसंट्रेशन के साथ व्यतीत करता है वो कहाँ पहुँच जाता है, और जो थोड़ा ऐसे ही मौज मस्ती के साथ व्यतीत करता है उसका लाइफ क्या हो जाता है। मेरे मित्र, अभी जवानी का एज है, जवानी में इतना परिश्रम कर लीजिए, इतना पसीना बहा लीजिए कि बुढ़ापा में कभी आंसू बहाने की नौबत ना आए। नहीं तो बुढ़ापा में जो आंसू बहाना होता है वो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है और इतना दुख दर्द परेशानी होता है कि कहना ही मुश्किल है। 2022 का जो सेशन है, जो समय है, ये बहुत ही बढ़िया है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर हम लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो जिस भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, जिस भी मुकाम को अचीव करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल हम अचीव कर सकते हैं। तो शुरू से ही इस पे रूटीन बना करके वर्क करें और आगे बढ़ते चलें। आप जानते होइएगा कि शेर होता है, शेर क्या करता है, अपने बच्चे को ट्रेंड करता है। और मान लीजिए नदी है, नाला है, उस पर छलांग लगाता है, छलांग लगवाया, उसका बच्चा गिर गया पानी में, फिर से शेर बेचारा कोशिश करके अपने बच्चे को निकालता है, फिर ट्रेंड करता है और फिर ट्रेंड करा करके दोबारा फिर से छलांग लगवाता है। फिर मान लीजिए पानी में गिर गया, फिर शेर क्या करता है, उसको निकालता है, ट्रेंड करता है और फिर छलांग लगाता है। तीसरी बार जब छलांग नहीं लगा पाता है, शेर कूद करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और पानी में डुबा देता है। कहता है कुत्ता की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि तुम मर जाओ। जीना है तो शेर की ज़िंदगी जियो, नहीं तो धरती में मत रहो, अगले जन्म में फिर आना। मेरे मित्र, कहने का मतलब है कुत्ते की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि एक बार जम करके मेहनत करके जिस भी मुकाम में हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर लीजिए। नहीं तो मेरे मित्र पूरे जीवन भर दर्द दर्द ठोकर खाना पड़ेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। जमाना बहुत बदल चुका हुआ है, जिसके सामने जितने कमज़ोर होकर के पेश होइएगा वो उतना ही आपको दबाता है। ये आजकल के जमाना का हकीकत है, रियल है। तो मेरे मित्र, ज़्यादा बात नहीं बनाते हुए, ज़्यादा आपको नहीं बताते हुए, एक ही चीज़, जीवन में एक बार हर व्यक्ति को रगड़ करके मेहनत करना पड़ता है और फिर जीवन उस मुकाम पर चला जाता है कि फिर लौट करके पीछे देखना नहीं पड़ता है। मेरा अपना मानना है किसी भी व्यक्ति को मेहनत से कम नहीं मिलता है और किस्मत से ज़्यादा भी नहीं मिलता है। तो इसलिए किस्मत पे छोड़िए मत, मेहनत को ही इतना बढ़िया कर लीजिए कि कम भी मिले फिर भी बहुत कुछ मिल जाए। तो जो कुछ करना है अपने मेहनत के बदौलत करना है, अपने टैलेंट के, अपने जज्बा के बदौलत करना है। तो 2022 को इतना बढ़िया से बनाइए, इतना अच्छा से बनाइए ताकि आने वाले जो समय है कहीं पे डर डर की ठोकर ना खाना पड़े, ना कहीं पे हमको नाक रगड़ना पड़े। आप जानते हैं कि आने वाले समय में 3 साल 4 साल 5 साल बाद हमारा लाइफ क्या बनेगा, ये 3 चीज डिसाइड करता है। पहला, संगति कैसा है। मेरे मित्र, जैसा संगत होता है वैसा ही हमारा रंगत बनते चला जाता है। दूसरा टॉपिक, जो चीज़ हम अपने ब्रेन में इनपुट करते हैं वही 3 साल 4 साल 5 साल बाद आउटपुट बन करके निकलता है। आप जानते हैं किसान जो बीज खेत में डालता है 2 साल 4 साल 5 साल बाद उसी बीज का फल बन करके निकलता है। तो अपने ब्रेन में अच्छा चीज़ डाले, बढ़िया चीज़ डाले, कभी निगेटिव थॉट मत रखें, कभी निगेटिव विचार मत रखें, कभी दूसरे के प्रति घृणा का विचार मत रखिए। नहीं तो आने वाले समय में कुछ दिन बाद आप भी वैसे ही बन जाइएगा। आप देखते होइएगा कोई व्यक्ति बार बार किसी बुरे व्यक्ति को देखने का आदि हो जाता है, 10 साल 15 साल बाद उसका लाइफ खुद बुरा बन जाता है। और तीसरा टॉपिक ये होता है कि अभी क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, इसके ऊपर हमारा लाइफ विशेष रूप से डिपेंड करता है। तो अभी जो समय है हम अच्छा चीज़ लें, बढ़िया चीज़ लें और पूरी गंभीरता के साथ हम अपने लाइफ को व्यतीत करें
ताकि आने वाले जो समय है दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। अंत में एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।